नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 फरवरी दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चुनाव प्रचार में उम्मीदवारों को मिलेंगे 14 वाहन। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा आज से शुरू। बिहार में 3000 से अधिक पथ और पुल का उद्घाटन। बिहार लघु उद्यमी योजना का कई लोगों को मिलेगा लाभ। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के पांचवें दिन 25 परीक्षार्थी निष्कासित। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के पांचवें दिन चंद्रयान 3 के बाद इसरो को मिली बड़ी सफलता। इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने बनाई रणनीति। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिना परीक्षा के सीबीआई में नौकरी का सुनहरा अवसर। सीबीआई द्वारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट cbi.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 मार्च 2024 है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को जरूरी है कि उन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से LLB की डिग्री हासिल की हो। साथ ही उम्मीदवार के पास बार काउंसिल में बतौर वकील नामांकन सर्टिफिकेट भी हो। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के माध्यम से होगा। नौकरी से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इसकी अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। चुनाव प्रचार में उम्मीदवारों को मिलेंगे 14 वाहन। पटना में चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि अब उम्मीदवारों को 5 की जगह 14 वाहन दिए जाएंगे। वहीं भ्रामक खबरें फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चुनाव के दौरान अंतर्राज्यीय सीमा सील हो जाएंगी। DM और SSP को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार में वोटिंग का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम था, जबकि ये एक जागरूक राज्य है। वहीं सभी राजनीतिक दलों को EVM की डिटेल दी जाएगी। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के लिए उत्पाद विभाग SSB BSF एक साथ काम में लगेंगे। वहीं चुनाव में होने वाले खर्च पर नजर रखा जाएगा। EVM की शिकायत करने वालों को चुनाव आयोग ने कहा है कि EVM पर सवाल करना सही नहीं है। इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। बिहारी बाजरे में आज हम बात करेंगे शिल्पा शुक्ला के बारे में। ये एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं, टेलीविजन अदाकारा और थिएटर आर्टिस्ट भी हैं। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1982 में बिहार में हुआ था। इन्होंने वर्ष 2003 में हिंदी सिनेमा में अपने कैरियर की शुरुआत खामोश पानी से की थी। उसके बाद ये हजारों ख्वाहिशें ऐसी में नजर आई थी। इस फिल्म में इनके एक्टिंग की खूब सराहना भी की गई थी। उसके बाद शाहरुख खान स्टारर फिल्म चक दे इंडिया में इन्होंने बिंदिया नायक की भूमिका अदा की थी। इस फिल्म में इन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अच्छी खासी पहचान मिली। इस फिल्म के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकन मिला था। ये फिल्म BA पास में भी नजर आ चुकी है। चंद्रयान 3 के बाद इसरो को मिली बड़ी सफलता। चंद्रयान 3 के बाद इसरो को एक बार फिर से बड़ी सफलता हासिल हुई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन की तैयारी में एक कदम और आगे बढ़ाया है। दरअसल गगनयान के C-20 क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को भेजने की तैयारी कर रहा है। बताया जाता है कि कई परीक्षण के बाद इंजन की क्षमता की जानकारी सामने आती है। क्रायोजेनिक इंजन ह्यूमन रेटेड है। साल 2024 की दूसरी तिमाही में मानव रहित गगनयान मिशन G1 को पूरा किया जा सकता है। बताया जाता है कि गगन मिशन के तहत 3 सदस्यों के एक क्रू को 3 दिनों के लिए 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में भेजा जाएगा। भारतीय समुद्र में इसकी सुरक्षित लैंडिंग भी कराए जाने की तैयारी की जा रही है। CBSE 12वीं की परीक्षा आज से शुरू। CBSE 12वीं के मुख्य विषयों में परीक्षा आज से शुरू है। पटना के अधिकांश केंद्रों पर ये परीक्षा ली जाएंगी। सुबह 10 बजे से परीक्षा का आयोजन होगा। इससे पहले परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी को पहुंचना होगा। जाम की आशंका को देखते हुए छात्र और छात्राओं को घर से पहले निकलने की सलाह दी जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को समय पर अपनी सीट पर पहुंचना भी जरूरी है। इसके बाद प्रश्न पत्रों को गंभीरता से लेते हुए उसे हल करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से छात्रों को अच्छे अंक मिलते हैं। परीक्षा में टाइमिंग का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। बिहार में 3000 से अधिक पथ और पुल का उद्घाटन। बिहार में 3000 से अधिक पथ और पुल का CM नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। ये ग्रामीण कार्य विभाग की योजना है। सरकार का लक्ष्य था कि बिहार के किसी भी हिस्से से 5 घंटे में पटना आना संभव हो। सरकार इसके करीब पहुंच चुकी है। वहीं किसी भी हिस्से से 6 घंटे में पटना पहुंचना संभव है। कम आबादी वाले इलाकों को सड़क से जोड़ने का काम जारी है। ग्रामीण कार्य विभाग का बजट 2007-08 में लगभग 1390 करोड़ का था। ये अब बढ़कर 11569 करोड़ रुपए का हो चुका है। मुख्यमंत्री ने नई सड़कों के नियमित रखरखाव का आदेश दिया है।
के पाठक के वायरल वीडियो की होगी जांच। बिहार विधानसभा में विपक्ष ने के पाठक को हटाने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया है। विपक्ष के नेताओं ने के पाठक के ऊपर मान हानि करने का आरोप लगाया है। वहीं प्रश्नकाल के दौरान के पाठक के द्वारा शिक्षकों को अपशब्द कहने की बात कही गई है। कहा जा रहा है कि इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। सदन में कहा गया है कि किसी को भी गाली देने का अधिकार नहीं है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसके बाद वायरल वीडियो की जांच की बात कही गई है। सभापति ने कहा है कि अगर वीडियो में अपशब्द या अमर्यादित टिप्पणी होगी तो कार्रवाई की जाएगी। बिहार लघु उद्यमी योजना का कई लोगों को मिलेगा लाभ। बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए 2,25,000 लोगों ने आवेदन किया है। उद्योग विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। वहीं 6,000 से कम आमदनी वाले लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। एक परिवार से एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। मालूम हो कि जातीय गणना के बाद ये बात सामने आई थी कि बिहार में 94 लाख लोगों की आय 6,000 रुपए से भी कम है। ऐसे परिवार के लोग सभी वर्गों से हैं। ऐसे लोगों को लघु उद्यमी योजना के तहत स्वरोजगार के लिए 2 लाख की राशि अनुदान के तौर पर दी जाएगी। रैंडमाइजेशन सिस्टम के तहत सरकार लाभार्थियों का चयन करेगी। गांधी मैदान में नाबार्ड हाट का आगाज। गांधी मैदान में नाबार्ड हाट का आगाज हुआ है। क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से 10 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय मेला लगाया गया है। यहां आज प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। इसके लिए खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के सचिव को आमंत्रण भेजा गया है। इस मेले के जरिए माइक्रो उद्योग के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। मालूम हो कि मेले में 100 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसमें जम्मू, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आदि राज्यों के कलाकार हिस्सा लेंगे। मेला में लकड़ी के खिलौने, पत्थर, कृत्रिम आभूषण, पत्थर से बने सजावटी सामान आदि आकर्षण का केंद्र होंगे। हर दिन शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे पुष्करणी तालाब के बारे में। ये पुष्करणी तालाब बिहार के वैशाली जिले में स्थित है, जिसका निर्माण आज से ठीक 2,500 साल पहले वैशाली गणराज्य द्वारा करवाया गया था। उस वक्त जो भी वैशाली गणराज्य में नए शासक या राजा के रूप में निर्वाचित होता था, उसके इसी तालाब के पानी से अभिषेक करवाया जाता था। जब आप वैशाली जाएं तो वैशाली गणराज्य का ऐतिहासिक गवाह रहे इस तालाब को देखने जरूर आएं। यहाँ पर आपको कई मनोरंजन की चीजें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ आपको बोटिंग की सुविधा भी मिलेगी। यहाँ तालाब में कई मनमोहक और आकर्षक कमल के फूल भी खिले हैं, जो देखने में बड़े ही प्रिय लगते हैं। कार की सफाई के दौरान कई बातों का ख्याल रखना है जरूरी। कई लोग अपनी सुविधा के लिए कार खरीदते हैं, इसकी कीमत लाखों में होती है। वहीं इसकी सफाई के दौरान कई बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है। घर में कार की धुलाई करते वक्त इसे नुकसान भी पहुंच सकता है, इसलिए मालूम हो कि डिश वॉशर या डिटर्जेंट से कार को धोने के दौरान इस बात का ख्याल रखना जरूरी होता है कि इससे कार का पेंट खराब हो सकता है। कार को धोने वाले शैम्पू बाजार में उपलब्ध है, इसका ही प्रयोग करना चाहिए। कार को धोने के बाद इसे धूप में नहीं छोड़कर छांव में रखना चाहिए, इससे गाड़ी की चमक बरकरार रहती है। वहीं साफ कपड़े का प्रयोग भी कार को पोंछने के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर आपकी कार में दाग लग सकते हैं। कार को अच्छे से साफ करने के लिए इसे नीचे की तरफ से साफ करना चाहिए। इसके टायर और नीचे के पार्ट को धोना जरूरी है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के 5वें दिन 25 परीक्षार्थी निष्कासित। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के 5वें दिन 25 परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया है। ये परीक्षा में नकल करते पकड़े गए, इसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। वहीं 8 जिलों में 14 फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ा गया है। ये दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे थे। आपको बता दें कि मैट्रिक के सभी प्रमुख विषयों की परीक्षा खत्म हो गई है। 6ठे दिन अंग्रेजी विषय की परीक्षा ली गई है। वहीं आज 7वें दिन का एग्जाम होगा। परीक्षा के लिए पटना में 70 केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही विधि व्यवस्था का ख्याल रखने के लिए 70 मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 भी लागू। मशहूर रेडियो संचालक के निधन पर सीएम नीतीश कुमार ने जताया शोक। मशहूर रेडियो संचालक अमीन सयानी के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया है। सीएम ने कहा है कि अमीन सयानी को रेडियो की दुनिया में आवाज का जादूगर कहा जाता था। इन्होंने पूरे एशिया में अपनी एक पहचान बनाई थी। इनके निधन से मनोरंजन जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। सीएम ने प्रार्थना की है कि ईश्वर उनके परिवार वालों को और प्रशंसकों को इस क्षति को सहने की ताकत दे। आपको बता दें कि अमीन सयानी ने कई दशकों तक लोगों के दिलों पर राज किया था। ये रेडियो व विविध भारती के जाने माने अनाउंसर थे। इन्होंने 54,000 से अधिक रेडियो कार्यक्रम में काम किया, साथ ही 19,000 से अधिक रेडियो जिंगल्स में अपनी आवाज दी है। अमीन सयानी ने कई फिल्मों में अनाउंसर के तौर पर भी काम किया था। बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष होंगे नरेंद्र नारायण यादव। बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष नंद नारायण यादव होंगे।
ये जदयू कोटे से विधायक है, उपाध्यक्ष के पद से के लिए ये आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद नंदकिशोर यादव ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने उन पर भरोसा किया है, निश्चित तौर पर ये उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। सीएम का फैसला ही उनके लिए आदेश है, इसलिए मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई जिम्मेदारी का पालन होगा। आपको बता दें कि नंदकिशोर यादव मधेपुरा के आलमनगर विधानसभा सीट से जदयू के विधायक हैं। बिहार सरकार में ये पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं। साल 2005 से लेकर 2015 तक ये अलग अलग विभागों में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। बारिश के बाद प्रदेश के अधिकतर जगहों का गिरा तापमान। बारिश के कारण प्रदेश के तापमान में थोड़े बहुत बदलाव नजर आए हैं। हालांकि बारिश की यह संभावना अभी भी 23 फरवरी तक बनी हुई है। साथ ही मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के कुछ जगहों पर वज्रपात के साथ गर्जन और बारिश आंधी की संभावना जताई गई है। कुछ जगहों पर ओले गिरने की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज तो प्रदेश के लगभग अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं प्रदेश का अधिकतम तापमान आज 24 से 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री तक रहने की संभावना है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से छात्राओं को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से छात्राओं को लाभ मिलता है। लड़कियों को स्नातक की डिग्री प्राप्त करने तक उन्हें करीब 50,000 की राशि दी जाती है। ये राशि अलग अलग किस्तों में मिलती है। आपको बता दें कि एक परिवार के सिर्फ दो बेटियों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना के पीछे सरकार की सोच है कि लड़कियां शिक्षित हो, उन्हें एक अच्छी शिक्षा मिले और उन्हें एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले। इस योजना के अंतर्गत केवल लड़कियों को ही लाभ दिया जाता है। योजना का लाभ पाने के लिए वेबसाइट ekalyan.bis.nic.in पर आवेदन किया जा सकता है। विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने इस्तीफा देने का बताया कारण। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा सचिवालय ने इसको लेकर पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि महेश्वर हजारी ने खुद अपने पद से इस्तीफा दिया है। इसे स्वीकार करने की भी जानकारी दी गई है। इसके बाद महेश्वर हजारी ने इस्तीफा देने का कारण बताया है। उन्होंने कहा है कि वे पार्टी के समर्पित नेता हैं, पार्टी के आला कमान के आदेश का वह पालन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वे नाराज नहीं है। वहीं मंत्री बनने को लेकर उन्होंने कहा कि अभी उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है, पार्टी के आदेश के अनुसार वे काम करेंगे। तेजस्वी यादव बोले 17 महीने बनाम 17 साल पर होगा चुनाव। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान मोतिहारी में उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव 17 महीने बनाम 17 साल पर होगा। 17 साल से बिहार सरकार ने जो काम नहीं किया है वे 17 महीने में हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मन से ये भ्रम निकाल दीजिए कि राजद MY की पार्टी है, ये विकास और रोजगार की पार्टी है। हमने सरकार में रहते हुए 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है। आगे मौका मिलने पर जनता का दुख कम करेंगे। बिहार को नौजवान की जरूरत है, अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, इससे लोगों के अच्छे भविष्य के लिए काम करेंगे। महागठबंधन की रैली पर सम्राट चौधरी का बयान, कुछ भी करने पर नहीं पड़ेगा फर्क। पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को महागठबंधन की रैली होगी। इसको लेकर बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा है कि कुछ भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विपक्ष पर जोरदार हमला करते हुए सम्राट ने कहा कि ये लोग लुटेरे हैं, बिहार के लूट के पैसे से ये रैली कर रहे हैं। वहीं पटना में होने वाले भाजपा के कॉन्क्लेव को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि मोदी का मतलब मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया है। इन्होंने भारत की संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाया है। नरेंद्र मोदी ने भारत के गरीबों के सपनों को साकार किया है। पटना में महागठबंधन की 3 मार्च को होगी महारैली। पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को महागठबंधन की महारैली होगी। इस रैली में RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और दीपांकर भट्टाचार्य सहित लेफ्ट के कई नेता शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने RJD कार्यालय से ये जानकारी साझा की है। दावा किया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में 10 लाख लोग इस रैली में शामिल होंगे। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि समाज में महंगाई और बेरोजगारी के कारण लोगों में आक्रोश है, महारैली के माध्यम से इसे प्रकट किया जाएगा। इधर RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि पूरा बिहार इंडिया गठबंधन के साथ है। इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने बनाई रणनीति। रांची में इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया 23 फरवरी से चौथा टेस्ट मैच खेलेगी। फिलहाल टीम इंडिया 2-1 से आगे है। कहा जा रहा है कि भारत 4 स्पिन गेंदबाज को मैदान में उतार सकती है। वहीं बल्लेबाजी करने वाली टीम का पलड़ा भारी हो सकता है, इस कारण टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी का फैसला ले सकती है। पिच को देखकर कहा जा रहा है कि अंतिम एकादश में 3 स्पिन गेंदबाज होंगे। वहीं जसप्रीत बुमराह को इस मैच में आराम दिया गया, इसलिए मुकेश कुमार को टीम में जगह मिल सकती है। आपको बता दें कि रांची की GSCA क्रिकेट स्टेडियम में अब तक 2 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इंग्लैंड की टीम पहली बार यहां मैच खेलेगी। यहां इंडिया का पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया से हुआ था।
कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1845 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी से सिरुमपुर और बालासोर को खरीदा था। आज के दिन 1889 में स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म हुआ था, जो पेशे से एक लेखक थे। आज के दिन वर्ष 1944 में महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1958 में भारत के विख्यात राजनीतिज्ञ बुद्धिजीवी और साहित्यकार अबुल कलाम आजाद का 70 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1999 में भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जगदीश भगवती को कोलंबिया विश्वविद्यालय में भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था केंद्र के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व चिंतन दिवस मनाते हैं। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे सोशल मीडिया को लेकर भारत सरकार के इस नियम के बारे में। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल होती दिख रही। इस फोटो के जरिए लोगों के बीच ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा नए संचार नियम के तहत सोशल मीडिया और फोन कॉल की निगरानी की जाएगी, जिसके तहत आपके कॉल को रिकॉर्ड करना जैसी कई बातें की गई हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा नए संचार जैसे कोई नियम लागू नहीं किए गए हैं। ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। इस भ्रामक खबर को पीआईबी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है, जहां पीआईबी ने भी इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। भारत का एआई मॉडल हनुमान होगा लॉन्च। भारत का एआई मॉडल हनुमान जल्द लॉन्च होगा। रिलायंस कंपनी मार्च के महीने में इसे लॉन्च कर सकती है। कहा जा रहा है कि ये चैट जीपीटी को जबरदस्त टक्कर देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को लॉन्च करने की मुकेश अंबानी ने पूरी तैयारी कर ली है। देश के अपने चैट बॉक्स को हनुमान नाम दिया गया है। बताया जाता है कि लंबे समय से इस पर काम चल रहा था। 8 विश्वविद्यालय के साथ मिलकर इसका निर्माण किया गया है। ये एआई मॉडल 11 भाषाओं में बातचीत कर सकेगा, साथ ही ये कोड लिखने में भी मददगार साबित होगा। इंसान अब बिना कंप्यूटर माउस छुए ही इसे कर सकता है कंट्रोल। अभी कुछ समय पहले ही एलन मस्क ने जानकारी दी थी कि न्यूरालिंक ने एक इंसानी दिमाग में चिप को इम्प्लांट किया था। इसे लेकर अब लेटेस्ट जानकारी सामने आई है। दरअसल पता चला है कि जिस व्यक्ति के दिमाग में चिप इम्प्लांट हुआ था, उसने बिना कंप्यूटर माउस को छुए ही कंट्रोल करके दिखाया है। इस संबंध में एलन मस्क ने बताया है कि प्रोग्राम अच्छा रहा और मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुका है। उसे किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। मरीज सोचकर ही माउस को कंट्रोल करने में सक्षम था। इस दौरान कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर एक साइड से दूसरी साइड भी मूव होता दिखा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कौन सा है? ऑप्शन ए है ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑप्शन बी है वरुण व्यायाम करें, ऑप्शन सी है मिलन, ऑप्शन डी है ऑपरेशन ट्रोपेक्स। इसका सही उत्तर है मिलन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन ए है कोलकाता में, ऑप्शन बी है मुंबई में, ऑप्शन सी है गुवाहाटी में, ऑप्शन डी है नई दिल्ली में। इसका सही उत्तर है गुवाहाटी में। भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल निम्न में से किस स्थान पर खोला जाएगा? ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है पंजाब में, ऑप्शन सी है मुंबई में, ऑप्शन डी है कोलकाता में। इसका सही उत्तर है मुंबई में। किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट रैयतों के पक्ष में दी थी? ऑप्शन ए है श्री गुडे ने, ऑप्शन बी है डब्ल्यू आर गोडले ने, ऑप्शन सी है एस सी कैफिन ने, ऑप्शन डी है डब्ल्यू इरविन ने। इसका सही उत्तर है डब्ल्यू आर गोडले ने। 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन बी है फूलन प्रसाद वर्मा ने, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों ने, ऑप्शन डी है इनमें से किसी ने नहीं। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों ने। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, छोटू राजा, विद्या सागर, सादुल्ला पालवी, मंटू कुमार, गोनर शर्मा, मोहम्मद साकिर हुसैन, रवि कुमार राम, मुन्ना कुमार, अतीक खान, राजीव कुमार, मंटू कुमार, कुलदीप कुमार, गौरी कुमारी, नौसाद रजा, सिंटू कुमार, संजीव कुमार, श्रीशंकर दास, नरेंद्र, नरेश ठाकुर, उमेश अमर कुमार।
इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भारतीय क्रिकेट टीम में आपके पसंदीदा खिलाड़ी कौन है और क्यों? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।